कोरोना महामारी से बचने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल में तैनात एसडीएम आईएएस अधिकारी किरण बडाना ने सड़कों और दीवारों पर पेंटिंग करवाकर कोरोना महामारी से बचने के लिए बेहतर काम किया है। हमीरपुर जिला के नदौन में सड़कों की चौराहों के अलावा दीवारों पर कोरोना बचाव के बड़े बड़े टैटू बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस पहल की लोग भी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। एसडीएम किरण बढ़ाना की माने तो कोरोना बीमारी से बचाव के लिए काम किया जा रहा है और लोगों को एक संदेश देने के लिए ये माध्यम बनाया है ताकि लोग कोरोना बीमारी के प्रति जागरूक हों। एसडीएम किरण बढ़ाना ने बताया कि रोड आर्ट के माध्यम से चौराहों पर पेंटिंग करवाई गई है, जिससे कोरोना बीमारी से बचने के लिए संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाजारों को पेंटिंग के लिए चुना गया है क्योंकि बाजार में ही लोग ज़्यादा आते जाते हैं। इसके साथ ही शहरों व पंचायतों की गलियों में भी पेंटिंग करवाई गई है, जिससे लोग जागरूक हो सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि नदौन में लोगों ने 50 लाख रुपए का दान अब तक दिया है, जिसे लोगों की सेवा के लिए खर्च किया जा रहा है। हमने रोड आर्ट शुरू करा था इंद्रपाल चौक पे और बस स्टैंड की वॉल्स पे हमने करा है। मेजर हमारा एम ये है कि जहाँ जहाँ भीड़ है, जैसे अभी हम मूव करेंगे कांगू बाजार, गलोड बाजार, धनेटा बाजार, और जैसा कि हमारी एक रूरल इकोनॉमी है और यहाँ पे ज़्यादा सिनेमा हॉल्स या कोई ऐसी जगह ही नहीं है, तो मार्केट ही ऐसी जगह है जहाँ से ये चीज़ ज़्यादा फैल सकती है। तो हमारा फोकस क्राउडेड और मार्केट एरियाज पे ही है। वन में अपने अपने लोगों का भी ख्याल रखना है और काम बंद होने से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, उनका आय का जो भी सोर्स था वो ख़त्म हो गया था। इस वजह से हमने यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा, इसमें काफ़ी लोग आगे आए। हमें लोगों से, आप मानिएगा, नदौन में 50 लाख रुपए तक हमें इन काइंड और कैश की डोनेशन मिली। हमारे यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड 7000 माइग्रेंट लेबर्स थे, जिनको हमने 3 बार ऑलरेडी राशन दे चुके हैं और चौथा चरण अभी चल रहा है। और नदौन वासियों की बड़ी मदद रही, उन्होंने हमें ये कह दिया था कि मैडम चाहे पैसे हैं या नहीं हैं, पर नदौन में कोई भूखा नहीं सोया। नदौन के पूर्व अध्यक्ष तरसेम कपिल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता के लिए एसडीएम के द्वारा किए जा रहे काम बहुत ही बढ़िया है। तरसेम कपिल, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत नदौन एवं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, स्थानीय प्रशासन द्वारा जो नई पहल कोरोना महामारी जागरूकता के लिए बनाए गए कोरोना टाइटों के लिए की गई है, उसके लिए एसडीएम नदौन बधाई के पात्र हैं। पड़ोसी राज्यों से आने वाले व स्थानीय निवासी भी आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को भगाया जा सके। वहीं स्थानीय निवासी ब्रिजमोहन सोनी ने कहा कि नदौन मंडल में कोरोना बचाव के लिए अनोखा तरीका अपनाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा इस तरह की पहल करने से लोग भी जागरूक हो रहे हैं। शायद मैं ये सोचता हूँ कि हिमाचल का पहला सब डिवीज़न है जिसने कोरोना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक मुहिम चलाई है कि जो इसका पेंटिंग्स हर चौक पे बनाई गई है, और इससे लोगों में जागरूकता आएगी। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नदौन सब डिवीज़न इस वक्त बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इन्होंने लगभग 5000 किटें जो हैं वो उसमें आटा, चावल, दाल, सब्जी, चीनी वगैरह डाल के तो ये लेबरर्स को बांटी है, और कोई 15000 लोगों को ये बांट चुके हैं उस है। इसके लिए भी जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। मैं डीसी हरिकेश मीणा जी का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी ट्रैकिंग कर रहे हैं और सारे ऑफिसर्स को उन्होंने दुरुस्त रखा हुआ है। भरमोटी खुर्द के प्रधान निशु सिंह ने कहा कि कोरोना बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पेंटिंग के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है और प्रशासन की दूरदर्शी सोच से लोगों को कोरोना से बचने के लिए जानकारी मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बेहतर कदम है। ग्राम पंचायत भरमोटी खुर्द के टोसिंग निशु, मैं नदौन प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खासकर एसडीएम किरण बढ़ाना जी का, उनकी नई सोच व नई पहल का। वो नदौन में जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए अलग विभिन्न किस्म के टैटू, जैसे कि आपके सामने दिखा रहे हैं, हर जगह लोगों को दिखा रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे उसके लिए रोकथाम जरूरी है। मैं इसके लिए एसडीएम नदौन किरण बढ़ाना जी को बधाई के पात्र हैं। उनकी सोच जो है दूरदर्शी है, मैं उसके लिए उनका बहुत ही सराहनीय कदम है ये। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो मास्क लगा के जहाँ भी जाएँ और